जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, मैं चार मिनट से कहूंगा, वतन से जो मिला हमको उसे वरदान लिखेंगे। हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वाभिमान लिखेंगे और विश्व का मानचित्र, दुनिया का नक्शा हमारे सामने लेके आ जाओ, हम उस पर सबसे पहले नाम भारत हिंदुस्तान लिखेंगे। उन्होंने संविधान बनाकर गया, उस संविधान पर ये देश चल रहा है। जहां भी चित्र बिदिर हुआ, देश का सर्वनाश हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? वक्त ही जो करना चाहे करेगा। बहरहाल आइए, मैं अब जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, इल्म से उसका ताल्लुक है और वो ऐसा इल्म का गहवारा है कि जहाँ से पढ़े लिखे लोग कहाँ कहाँ पहुँचे और आज भी पहुँच रहे हैं। इल्म फन का सर चश्मा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास शोहरत की डिग्रियाँ नहीं होती और उनके जेर साया ही इनकलाब पलते हैं, जिनके घर पे नामों की तख्तियां नहीं होती और इल्म जिससे भी जहां से भी मिले, जिस कदर भी हो करो हासिल से, इल्म ही इंसान की पहचान है। अब मैं आवाज दे रहा हूं जनाब अली डॉक्टर जहीर काजी साहब से गुजारिश है कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तालियों के साथ इनका इस्तकबाल, जनाब अली डॉक्टर जहीर काजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे बहुत ही करीब हरदिल अजीज प्रकाश अम्बेडकर जी, जिनको हम आपस में बॉबी नाम से बुलाते हैं, इनकी और हमारे दोस्ती गुज़िश्ता 30 साल से है और इनकी बेगम वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो और हम आज पूना में एक ट्रस्ट के इलेक्शन में साथ साथ थे, तो मैंने वो मीटिंग अधूरी छोड़ के यहाँ है क्योंकि पहली बार प्रकाश आप पहली बार अंजुमन के स्टेज पे आए हो, लेकिन अंजुमन में बहुत बार आए हो। और कब आए आप? जब आपने महाराष्ट्र में ये बताया कि मुझमें भी दम है। एक बार मैं इनके बारे में 2 मिनट जरूर लूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के ग्रैंडसन, इन्होंने जो चीज़ें वर्षे में अपने दादा जान से ली है उसको बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखा है इन्होंने, उन वैल्यूज़ को। और मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही यार, हर पार्टी में हमारे दोस्त हैं, क्योंकि अंजुमन के सब दोस्त हैं, लेकिन ये ऐसा दोस्त है मुझे कहने में जरा भी हिचकी टाट नहीं आती, द मोस्ट सेक्युलर लीडर आई हैव एवर कम अक्रॉस। खास करके मुसलमान बिरादरी के लिए इतनी जद्दोजहद इसने की है इतने सालों से, आज कहीं जाके मुसलमान कम्युनिटी ने थोड़ा सोच लिया कि नहीं, हमारे पास अगर अल्टरनेटिव है तो प्रकाश अम्बेडकर जी हैं। ये राज्यसभा के भी मेंबर थे उस दौरान, आप रिकॉर्ड्स निकाल के देखिए, मुस्लिम कम्युनिटीज और माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए जितने सवाल इंटरवेंशन इन्होंने किया, शायद कोई इनके कम्युनिटी के, जो दलित कम्युनिटी कहलाती है, कोई लीडर ने आज तक किया हो। और इनकी पार्टी ने कमाल किया इस बार, 15 साल के बाद एक मुसलमान एमपी को औरंगाबाद से चुन के लाया। और ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा वोट हमारे जो नए चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलील साहब को जो वोट्स गए,
वो दलित और मार्जिनलाइज बिरादरी के ज्यादा तादाद में गए बल्कि आपने कर दिया। प्रकाश जी, आपने कह दिया इस महाराष्ट्र के स्टेट को और पूरे हिंदुस्तान को, अब मैं आ गया और आज आप अंजुमन में आ गए हो, तो आपका कद और भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये इदारे की वाबस्तगी गुज़िश्ता 145 साल से है। ये इदारा जो आज बहुत हिंदुस्तान में बवाल है, इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव की मिसाल प्रकाश जी ये अंजुमन इस्लाम है, जो सबको लेके चलता है और इसके करता धरता जंगे आज़ादी में कई साल जेलों में बिताए हैं, उसमें से हमारे एक प्रेसिडेंट साहब थे जो आपके विचारधारा से थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मोइनुद्दीन हारिस साहब, जो 10 साल जेल में थे, जो अंजुमन के सदर 6 साल। ये हमारा रिकॉर्ड है और हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम अंजुमन के कैंपस पे हुआ है और अंजुमन ने इसको पूरा सपोर्ट दिया है, ये सोच के कि हम वो हर शख्स का हाथ पकड़ ले जो हमारा दर्द समझता है और दर्द को दूर करने की कोशिश करता है। और इसलिए मैं इनको एडवोकेट अंबेडकर नहीं कहूंगा, प्रकाश अंबेडकर, मैं कहूंगा डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर, क्योंकि ये हमारे नफ्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी हम चाहेंगे आप हम सब मिलकर कोशिश करें कि सेक्युलर वोट्स न बटे और जितनी कोशिश होनी चाहिए हमने सब मिलकर करना चाहिए। और मैं ये बात जाहिर करने में मुझे जरा भी आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी अच्छी कोशिश रही जो हमने भी की। और प्रकाश जी का एक नेचर है, ही इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो अगर किसी को थोड़ी शक की गुंजाइश है कि ये बड़े टफ किस्म के आदमी, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार इनको जो पॉलिटिकल सेक्रीफाइस की बात होती है वो करते हुए मैंने देखा है, महसूस किया है और समझा भी है। आज का प्रोग्राम हमारे बहुत अच्छे दोस्त शेर भी है और पठान भी है, और मैंने इनको जब ये सर्विस में थे तब इनको आजमाया है। अक्सर होता क्या है, हमारे जो बड़े अफसरान होते हैं IAS IPS, जब सर्विस में होते उनको कौम का दर्द नहीं होता, जब रिटायर होते तो उनको कौम याद आती है, लेकिन ये उनसे अलग है। इसलिए कि जब सीनियर इंस्पेक्टर थे, इन्होंने हम सबको लेके अपने गांव नासिक में ले गए, जहां इन्होंने तालीम हासिल की थी, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह वगैरह, और कुछ एक नई स्कूल बनने जा रही थी, तो बहुत सारे साहेब इमाम के साथ अंजुमन वालों को बुलाया था, हमने भी आपकी मदद की थी कुछ डोनर्स के जरिए। तो जब मुझे लगा कि ये शख्स कौम का दर्द रखता है, वो भी तालीम के मैदान में, और जो तालीम के लिए जो कुछ करता है उसके लिए तो जान हासिल है। इसलिए कि हमारा जो आज हमारी जो हालत है, इसलिए है कि हम तालीम के मैदान में पीछे रह गए। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को मिलती है, ऐसे ऐसे कारनामे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं, खास करके ये इंजीनियरिंग कॉलेज जहां आप बैठे हैं, हैकाथॉन जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, मेक इन इंडिया, आप जो भी कहिए उसमें सबसे आगे आगे हमारे बच्चे रहे। हमको मौके मिलने चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि दूसरे का चीज को हम करें। आजकल एक नया नैरेटिव चला है, प्रकाश जी आपको जानने की जरूरत है, ये अपीसमेंट की बात होती है। अगर अपीसमेंट हमारे कौम के साथ होता तो हमारी हालत जो इतनी बदतर है, जो सचर कमिटी करती है, ये क्यों होता?
कुछ गिने चुने लोगों का अपीजमेंट हुआ होगा पॉलिटिकली, अदरवाइज आम मुसलमान के लिए अपीजमेंट हुआ ही नहीं। गुज़िश्ता 70 साल में हर सरकार ने कुछ खास किया नहीं। तो हम आज एक खुले मंच पे कह रहे हैं आपके मौजूदगी में, हमको भी अपीजमेंट नहीं चाहिए, हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। शमशेर खान पठान साहब, आप अभी सियासतदान बन गए, मैं प्रकाश जी से दरख्वास्त करूंगा आप जब रेनबो कॉलिशन बना रहे हो सब लोगों को, तो इनको भी साथ में ले, आपके साथ रहे तो मुझे उम्मीद है। अच्छा, एक को ले लो, ये बड़ा लायक शख्स है। इफ यू एसोसिएट यू हिम विद यू, ही विल बी एन एसेट, नॉट ए लायबिलिटी। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट हियर विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही हैज दैट नैक ऑफ गेटिंग इनटू द कम्युनिटी प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस। मेनी टाइम्स ही कम हमसे भी भिड़ जाते हैं, और ये सही बात है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मसाइल है तो आ जाएगा, और जब मसाइल हल होते हैं तो ये शख्स ऐसा है कि आपको सलाम भी करेगा, बोले बहुत अच्छा है। तो ये समझदारी है, ये मैच्योरिटी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से खुलेआम प्रकाश अम्बेडकर साहब, इस शख्स को आप अपने साथ में लीजिए, ही विल बी अ विनिंग हॉर्स। On his behalf, I will give my word of honor that he will be an asset to you. मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला ना, आपकी तैयारी है ना? Yes sir. हाँ, तो दुलाई तैयार थे और काजियाँ निकाल के लिए आप कैसे होना चाहिए? आप शहरों में बांध के बैठे हैं। बहुत तैयार हूँ sir, बहुत तैयारी है। और आज हमारे दरमियान और एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के, जे जी हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में आप वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और लोकसभा में इन्होंने ये बात अपनी कोशिश की थी कि मैं, मेरे किस्मत आजमाओ, अच्छे सारे वोट देने, एक अच्छा शख्स है और एक बहुत सेक्युलर आदमी है। ये मुल्क इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री बिकॉज वी हैव a very large number of secular people amongst the majority community. Let us accept that. And we must compliment, we must entertain, we must recognize people like Dr. Anil Kumar और इनके बहुत सारे मरीज, क्योंकि जे जे हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब मरीजों के लिए इन्होंने जो काम किया है तारीफ के काबिल है। शायद ये अपने खुद नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं भी एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं भी बॉम्बे हॉस्पिटल में रहा और हम नायर हॉस्पिटल में साथ में थे एक दौर में, ये मार्ड के प्रेसिडेंट थे और सेक्युलर टू द कोर, और आपने सही आदमियों को चुना है। तो प्रकाश जी, आपके जो वर्धा के कैंडिडेट थे बंजारी साहब, उनके गुफ्तगू से ऐसा लगा कि ये तो आदमी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही तो हमको लग रहा है ये मुसलमान ही है। तो ऐसे लोगों को आपने लिया है, तो आरएसएस के घुसपीटियों का आने का कोई गुंजाइश ही नहीं। आपका जजमेंट अच्छा है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये ईद मिलन का प्रोग्राम है और हम सुनना चाहेंगे हमारे हर तरजीज प्रकाश जी से, ज़्यादा वक्त उनको दिया जाएगा। आपने मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।